ओके, सो सर्कल्स पढ़ेंगे आज हम. सो हमने फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी थी सर्कल्स की कुछ टाइम पहले ही, जब हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल कर रहे थे. नॉट सरप्राइजिंग, बट सीबीएसई ने उल्टे चैप्टर डाल रखे थे. पहले हमने एरियाज रिलेटेड टू सर्कल सीखा, अब हम सर्कल के बारे में जानेंगे. सो हाउ एवर इंटरेस्टिंग इट माइट बी, लेट्स स्टार्ट. सो सर्कल हमने पढ़ा था इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. ओके, दिस वॉज द फॉर्मल डेफिनेशन. दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज द सेंटर एंड दिस इक्विडिस्टेंस, दिस डिस्टेंस जितने डिस्टेंस पे होते हैं, दिस इज द रेडियस. तो दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल की एक फिक्स पॉइंट से अगर बहुत सारे पॉइंट एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे सिचुएटेड है तो वो क्या फॉर्म करता है, एक सर्कल. ठीक है, सबको समझ आ गया सर्कल क्या होता है, सबको यस याद आ सर, गया सर्कल क्या यस होता है. सर, ठीक है, तो अब हम कुछ बातें करेंगे कि सर्कल के पॉइंट्स की बात करते हैं. पहली बात, सर्कल्स के एक प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करता है एक प्लेन को. वो तीन पार्ट्स क्या होते हैं, या तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा, ठीक है, या तो पॉइंट ऑन द सर्कल होगा, ठीक है, इनसाइड या फिर इंटीरियर, या फिर पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल होगा. ठीक है, तो ये तीन हिस्सों में डिवाइड करता है किसी भी प्लेन को एक सर्कल. ठीक है, क्लियर है पार्ट. ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज आपको इंटीरियर एक्सटीरियर का मतलब समझ आना चाहिए जो हम इवेंचुअली आगे चल के यूज करने वाले. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको. यस यस सर, ओके, अब आगे बढ़ते हैं. हम सर्कल्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, ठीक है, एंड कुछ बेसिक चीजें सर्कल्स के बारे में जानते हैं. ओके, सो सबसे पहले कुछ बेसिक्स ऑफ सर्कल. ठीक है, सबसे पहले एक सर्कल का एक फिक्स जो डिस्टेंस की बात करती है हमने, इक्विडिस्टेंट होने चाहिए सारे पॉइंट्स, तो वो डिस्टेंस क्या होता है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस. ओके, दैट डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस. ओके, अच्छा, अगर इसी रेडियस को हम दूसरे पॉइंट से भी कनेक्ट कर दे, स्ट्रेट लाइन बना दे, तो ये क्या बन जाता है, डायमीटर. ओके, दिस बिकम्स अ डायमीटर. नाउ दिस इज अ डायमीटर. लेकिन डायमीटर पढ़ने के लिए हम और थोड़ी सी चीजें पढ़ते हैं सर्कल्स के बारे में, सेगमेंट, सेक्टर्स, आर्क्स, ये सारी बातें करते हैं. तो एक पूरा अगर कंप्लीट सर्कल है, ठीक है, इसका अगर हम एक पार्ट निकाल ले, तो हमने पढ़ा था इसके बारे में कि दिस पार्ट ऑफ अ सर्कल इज नोन एज अ आर्क. दिस इज एन आर्क. ओके, नाउ अगर हम एक आर्क की बात करें, ठीक है, एंड अब इसी सर्कल में अगर मैं दो पॉइंट्स लूं, ठीक है, एंड इन दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं, आई एम कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सो दिस इज नोन एज अ कॉर्ड. ओके, आगे बढ़ते हैं. कॉर्ड हो गया, आर्क हो गया, ठीक है. अच्छा, और कॉर्ड में ही अगर लॉन्गेस्ट कॉर्ड की बात करें हम, तो वो क्या है, डायमीटर डायमीटर. So, अगर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा तो वो जाएगा डायमीटर. ओके, अब हम बात करते हैं सेक्टर्स और सेगमेंट्स की. ठीक है, दिस इज ऑल अ क्विक रिवीजन, नथिंग एल्स. सो अगर दो रेडियस एंड आर्क बनाए तो वो हम एक क्या बनाते हैं, सेक्टर. सेगमेंट. ओ सॉरी, सेक्टर. पिज्जा का पीस है. तो पहली बात, इससे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें मेजर माइनर कैसे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए. ओके, सो मेजर माइनर के लिए हमें, मेजर माइनर के लिए हमें क्या करना है, दिस दिस. ठीक है, जो स्मॉलर पार्ट है, ठीक है, जो स्मॉलर पार्ट है इट्स ऑलवेज वेरी लॉजिकल माइनर, एंड जो बड़ा पार्ट है वो हमेशा मेजर. ठीक है, सेक्टर. सेगमेंट की अगर बात करें तो वो एक कॉर्ड और आर्क बनाती है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट.
and this other part is major segment. Okay, यहाँ तक clear है सबको? कोई doubt नहीं? Yes sir. ठीक. अच्छा, radiuses की बात कर ली हमने, segments की बात कर ली, segment के area की इस chapter में हमें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ basic बातें पता होनी चाहिए. सेमी सर्कल आई होप सबको याद होगा. सेमी सर्कल याद है सबको? सेमी सर्कल. अगर हम डायमीटर और डायमीटर से आर्क ले ले हम, ठीक है, सर्कल का, तो दिस इज अ सेमी सर्कल. हमें ये भी याद होना चाहिए कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 degrees. ठीक है, फिर यहां तक. तो अब हम कुछ बात करते हैं जो लास्ट क्लास से रिलेटेड है, सिंस, लेकिन आई वांट एंड आई रिमेम्बर कि आप लोग का पुरानी क्लास का बेस कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, तो एक बार इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं, इम्पोर्टेंट थ्योरम्स लिखते हैं. जो सारे थ्योरम्स हमने लास्ट क्लास में सीखे थे, ठीक है. तो सबसे पहले अगर एक सर्कल है हमारे पास, इसमें हम सेंटर से परपेंडिकुलर बनाए कॉर्ड के, ठीक है, अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर बनाऊं कॉर्ड को तो ये बाइसेक करेगा कॉर्ड, ठीक है. पहला, इसकी स्टेटमेंट मैं थोड़ी देर बाद मेंशन करूंगा. सेकंड, अगेन इसी का वाइस वर्सा, इसका वाइस वर्सा क्या होगा, एक सेकेंड, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम. Converse of this theorem says कि अगर एक कॉर्ड है एंड इससे बाइसेक करती है एक लाइन, ठीक है, तो वो लाइन बाइसेक करती है एंड परपेंडिकुलर है, तो वो सेंटर से पास करेगी, ठीक है, या फिर अगर सेंटर से पास कर रही है और बाइसेक कर रही है तो वो क्या है, परपेंडिकुलर. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. सेकेंड, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है. अगर मैं दो कॉर्ड्स बनाऊं जो कि इक्वल है, मान लो ये ए बी है और ये सी डी है, इफ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है, इफ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, दिस मींस ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, इसका मतलब ये, ठीक है. सर एक बार दोबारा से जाना. इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब अगर ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स है तो ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. मान लो एक सर्कल बनाऊं मैं जिसमें ये 5 सेंटीमीटर का कॉर्ड है, ये भी 5 सेंटीमीटर का कॉर्ड है, तो अगर ये वाला कॉर्ड 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो ये भी 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही हो, ठीक है, ठीक है. इसी का कन्वर्स अगेन, कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर, देन दे आर आल्सो इक्वल. इसका ऑपोजिट क्या कहेगा, कि अगर इफ ओपी इज इक्वल्स टू ओक्यू, दिस मींस एबी इज इक्वल्स टू सीडी. दिस वाज द अदर थ्योरम वी लर्न, ठीक है. सर आपने ये क्या लिखा है, ओपी इक्वल्स टू ओक्यू, डबल क्यों लिख दिया आपने, समझ जाना वो है. अच्छा, नेक्स्ट थ्योरम, डिग्री मेजर थ्योरम. डिग्री मेजर थ्योरम, डिग्री मेजर थ्योरम क्या कहती है, कि अगर एक आर्क कोई एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, ठीक है, मान लो ये सेंटर पे एक सबटेंड करता है एंगल 2 थीटा, तो ऑन एनी पार्ट अदर देन द सेंटर, ठीक है, अदर देन द आर्क, मतलब इस आर्क के अलावा वो कहीं पे भी एंगल सबटेंड करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, थीटा, इसका आधा, ठीक है. तो वो अगर सेंटर ऑफ द सर्कल है, एक आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है, दैट इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रेस्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. तो अगर मेरे पास दो इक्वल कॉर्ड्स है, तो ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगे, ये इक्वल होंगे, ठीक है. सर क्या दोबारा बताना, एक सेकेंड, इफ ए बी
is equals to CD, this means theta is equals to alpha. Okay. Equal chord subtend, equal angle at the center. अगर वो center है, तो ये equal angle subtend कर रहे हैं center. ठीक है? ले रहे यहाँ तक? Yes sir. ठीक है. Fifth लिखते हैं यहाँ पे. Angle in a semicircle. Semicircle is always 90. आप कर रहे हैं ऐसे क्यों? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री. सेमी सर्कल में अगर आप कोई भी एंगल बनाते हो तो हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री. ठीक है. ओके, एक सेकंड रुको. आई कैन सी अनुष्का, यू आर आंसरिंग. गुड, वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. So, next theorem says angles in the same segment are also equal. अब ये क्या कहती है? Angles in the same segment, angles in the same segment कहती है कि अगर एक arc है, वो किसी भी circle के किसी और part पे angle subtend करता है, तो अगर ये angle theta है, तो वो और किसी part पे जो angle subtend करेगा, वो भी theta है. जैसे बोलते हैं हम angles in same segment are equal. Angles in same segment. नाइन्थ में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इससे आंसर होते हैं. मतलब ऐसा है नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ नाइन्थ को अभी, तो मतलब आसान क्वेश्चन. मतलब मैंने तो करे थे तो आरडी होते हैं काफी सारे, काफी सारे होते हैं. इसके बाद और क्या लिखे, और क्या लिखे? साइक्लिक कोऑर्डिनेट के बारे में लिख लेते हैं. तो सेवन, अगर चार पॉइंट्स ठीक है एक सर्कल पे लाए करते हैं, ठीक है, तो दीज आर नोन एज concyclic points, okay? And एक concyclic point से जो quadrilateral बनता है, ये quadrilateral को हम बुलाते हैं cyclic quadrilateral, okay? Cyclic quadrilateral बुलाते हैं. And cyclic quadrilateral में opposite angles का sum, angle A plus angle C is always 180 degree, angle B plus B हो गया. Angle D is equals to 180. Opposite angles का sum क्या होगा? Opposite angles sum is 180 degree. Okay. Concyclic points वो points होते हैं जो सारे एक circle पे lie करें. अगर मैं चार points बोलूँ concyclic है, that means that they will lie on a circle. अच्छा. How many points? इससे एक और important बात पे आते हैं. कि एक यूनिक सर्कल बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए? एक यूनिक सर्कल बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए? क्या मैं दो पॉइंट से एक यूनिक सर्कल बना सकता हूँ? बोलो सर, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिक सर्कल? सर नो, यूनिक मतलब अगर मैं दो पॉइंट दू जगदीर, तो उससे कितने सर्कल्स पास कर सकते हैं, बताओ? बोलो सर, एक ही कर सकता है सर. इससे दो पॉइंट से इनफाइनाइट कर सकते हैं. कैसे दिखाऊं? मान लो पहला सर्कल ये है, ठीक है, दूसरा सर्कल ये है, ठीक है, एंड ऐसे ही मैं बहुत और सारे सर्कल्स बना सकता हूँ, ठीक है. लेकिन अगर मैं तीन पॉइंट्स बना दूं, इससे कितने सर्कल पास कर सकते? सर एक ही सर्कल पास हो सकता है सर. एक बनेगा. तो वन एंड ओनली वन तीन पॉइंट से एक सर्कल ही पास करेगा. वन एंड ओनली एंड सॉरी दो बार लिख दिया. वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट. अगर तीन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, फिर तो कोई फायदा ही नहीं, सर्कल तो बन ही नहीं सकता इससे कोई. तो अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ तब हमें एक यूनिक सर्कल मिल सकता है, दो पॉइंट्स हमें नहीं मिल सकता. और मिलता कैसे यूनिक सर्कल? अगर तुम्हें कंस्ट्रक्शन याद हो थोड़ी सी, तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, ठीक है,
इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं एंड देन मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, ये जिस पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे ये सेंटर ऑफ सर्कल है, इन दोनों से मैंने एक आर्क खींचा, देन एक सर्कल बना लिया। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दिस यू रिमेंबर बट दिस इज हाउ वी यूज्ड टू डू दिस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक पॉइंट्स ये समझ आ गए तुम्हें पॉइंट्स आ रहे? यस सर। अच्छा, यस सर। एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम तो नहीं है लेकिन ऑब्जर्वेशन काइंड ऑफ स्टफ है कि अगर दो सर्कल्स है, ठीक है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स देन द लाइन थ्रू द सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन। तो अगर हमें दो सर्कल मिलते हैं, ठीक है, एंड दो सर्कल में कॉमन क्वाड, तो इन दोनों के जो सेंटर्स होंगे ओ एंड मान लो ओ डैश, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कॉमन क्वाड का। मान लो कॉमन क्वाड ए बी है, तो ओ ओ डैश इज perpendicular bisector of AB. This is also an important observation जो कि हम प्रूव करते हैं नाइन्थ क्लास, ठीक है, ठीक है। अभी तक हम नाइन्थ ही पढ़ रहे हैं, अभी टेंथ पे तो आई नहीं, दे रहे हैं यहाँ तक सब कुछ। yes, sir. अब आते हैं टेंथ। yes, sir. अब आते हैं टेंथ। चलो ठीक, तो अब हम बात करेंगे टेंजेंट्स के बारे में। अच्छा, तो अगर एक सर्कल को एक लाइन कैसे कैसे इंटरैक्ट कर सकती है, एक लाइन देख, या तो लाइन छुए ही ना, ठीक है, तो डज नॉट इंटरसेक्ट। नेक्स्ट, इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स, ठीक है, एंड दिस इज द रीजन वाय क्वाड्स आर फॉर्म्ड, क्वाड फॉर्म। तीसरा, इंटरसेक्ट्स और स्लैश टचेस, टचेस इसलिए बोलते हैं कि इंटरसेक्ट तो तब करेंगे जब कोई कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट हो, बचे तो बस टच कर रहा है, तो टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट, this line is known as a tangent. Okay, this line is known as the tangent. ये clear है सबको? Clear है सबको? Yes. Yes sir. Okay बेटा, circle ढंग से सुन लेना, आसान chapter नहीं है, बहुत रुलाएगा। मैं तो लिख भी रहा हूँ ना इसलिए। Very good, very good. ढंग से सुन लेना, because ये chapter repeat होने का हमारे पास time नहीं होगा, and it is a quite a difficult chapter, not in the theorems, बहुत आसान theorems है इसके, and basic question बहुत जल्दी हो जाएंगे, NCERT तो बहुत ही आसानी से, लेकिन believe me, बहुत ही rarely ऐसा होता है कि सर्कल्स के सिर्फ NCERT से question आते हैं paper CBSE में, so don't be shocked. आगे बढ़ते हैं, तो पहले theorem की बात करते हैं। पहला theorem क्या कहता है? पहला theorem कहता है कि tangent to a circle is, मैं draw कर देता हूँ आपके लिए, मान लो टेंजेंट है हमारा पी क्यू, सो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एओ, ओके, द टेंजेंट इज, वेरी गुड अनुष्का, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द radius a। चलो लिखो जल्दी से, किसी का ऊपर कुछ मिस तो नहीं हो गया जो लिखा नहीं हो किसी ने? नो सर। चलो साथ साथ सर, मेरा मिस हो गया क्योंकि मैं वो नेटवर्क इश्यूज की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं पीडीएफ से ही करना पड़ेगा सर, ज्यादा मिस हुआ है। अच्छा ठीक है, फिर तो कोई अभी करते हैं। चलो एक, सो पहला थ्योरम क्या कहता है कि जो हमारा टेंजेंट है वो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर
होगा, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं अपोजिट साइड्स ऑफ सेंटर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं अपोजिट साइड्स ऑफ सेंटर की बात करूं, एक टेंजेंट हमने यहाँ पे बना दिया है, अगर मुझे एक और टेंजेंट बनाना है जस्ट दी अपोजिट टू द सेंटर, मतलब ये जस्ट दी अपोजिट टू द सेंटर है, अगर मुझे किसी पॉइंट से एक और अपोजिट बनाना है, तो ऐसे सिर्फ दो टेंजेंट्स पॉसिबल है और नहीं बना सकते। मतलब अगर हमारे पास अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स है विच आर पैरेलल, पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है, अगर हमारे पास पेयर ऑफ टेंजेंट्स है जो पैरेलल है, मान लेते हैं ये सेंटर है, ठीक है, पहला टेंजेंट दूसरा टेंजेंट, तो ये अगर सर्कल को टच करते हैं ए एंड बी पे, ठीक है, तो ए बी इज डायमीटर। इफ टू पैरेलल टेंजेंट्स touches circle at A and B, touches circle at A and B, तो A B diameter, which is logical because इसको 90 degree होना जरूरी है radius के साथ, इसको 90 degree होना जरूरी है radius का, and ये दोनों ही radius हुए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डायमीटर। ऑब्वियसली एक एंगल पे नहीं हो सकते, बिकॉज अगर ये एक एंगल पे होंगे, एक एंगल मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, कि अगर ये ऐसे और ऐसे होंगे सच दैट कि ये कंप्लीट लाइन ना बन पाए, ठीक है, AOB, सिंस दिस इज द ओनली केस जिसमें डायमीटर नहीं बनेगा, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, बट हमने क्या कहा है पैरेलल टेंजेंट्स है, पैरेलल तो नहीं हुई, ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट टेंजेंट्स cannot intersect out inside the circle. Two tangents will never intersect inside a circle. ठीक है, either two tangents can be parallel or they can intersect outside the circle. Okay? क्या कहना चाहती है लाइन, कि अगर दो टेंजेंट्स है हमारे पास, या तो वो पैरेलल होंगी, या अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो वो हमेशा सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करेंगे, इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, they can never intersect on the interior of the circle, because if they do intersect on the interior of the circle, it means they are not tangents, because they are intersecting at more than one point on the circle, they will become chords. Aage from a given point outside the circle, exterior, if I have a given point outside the circle, for example P, ठीक है, और circle क्या है, ये circle, अच्छा, two, only two tangents can be drawn on the circle. मतलब एक fixed point से on the exterior of the circle हम सिर्फ और सिर्फ दो tangents to the circle बना सकते हैं, ठीक है, अगर यही point on the circle होता, from a given point on the circle, ठीक है, only one tangent can be drawn, ठीक है, कहना चाहती है लाइन कि अगर पॉइंट ऑन द सर्कल है, पी अब ऑन द सर्कल है, तो सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट बन सकता है,
and in the given situation for a given point inside the circle interior, no tangents can be formed. तो अगर P inside the circle है तो यहां से कोई tangent नहीं बन सकता because it will always intersect on two points on the circle. ठीक है, clear है यहां तक सबको? Yes sir. जल्दी से लिख लो सर. सर रिटर्न. ठीक है, अच्छा. बाय द वे एनसीईआरटी में सेंस थ्योरम दे रखा है तो मैं थ्योरम की तरह आपको लिखा देता हूँ कि पहले जो हमने लिखी थी चीज ऑलरेडी लिख चुके हैं. यू कुड नॉट अंडरस्टैंड द लास्ट पॉइंट. अगर कोई लास्ट पॉइंट पे, ठीक है, अगर एक सर्कल है हमारे पास एंड इसके अंदर कोई पॉइंट है एंड आई एम टेलिंग यू टू ड्रॉ our tangent will fill pass through this point, ठीक है, या फिर from this point to this circle, ठीक है. तो मुझे पता है tangent बनाने के लिए मुझे circle को सिर्फ एक point पे touch कराना है, तो मैं कोई भी line अगर इससे बनाता हूँ, ठीक है, जो इससे pass करे, वो हमेशा circle को दो points पे touch करेगा. तो there is no possible tangent जो हम इस point से, इस P point से बना सकते हैं to the circle, okay? Yes, sir. चलो ठीक है. अब जैसे हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है थ्योरम, दिस इज व्हाट 10.1 आई गेस. थ्योरम 10.1 सेज, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज tangent to any point on the circle is perpendicular to the radius through the point of contact. So, अगर हमारे पास एक circle है, इसमें एक tangent है, ठीक है, unknown tangent L, point of contact is A. A is what? Point of contact. So, L is perpendicular to the radius. Radius is what? OA, L is perpendicular to the radius at the point of contact. ठीक है, NCERT में theorem दे रखे हैं, हम discuss कर चुके already, लेकिन since theorem की तरह मुझे लिखवाना था आपको, इसलिए मैंने. ठीक है. Yes. आगे बढ़ते हैं, पहली एक्सरसाइज देखते हैं एक बार. ओके, 10.1 सबके पास बुक है, चलो मैं ही दिखाता हूँ बुक आपको. ओके, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, क्या लगता है? आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एंड टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट एट एन डैश पॉइंट. अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ पॉड. क्या कहते हैं? Chord, chord. Okay. अच्छा. A circle can have dash parallel tangents at two. Sir, two. How many parallel tangents?
सर इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, एक टाइम की बात कर रहे होंगे, बट वो आई गेस तो टू ही होने चाहिए सिंस वो आई गेस, सो दिस मींस दैट इसके अलावा और कोई पैरेलल टेंजेंट हो सकता है क्या, नहीं. So two is the right answer for this. This is what they're asking. They're not asking ki kitne pairs ho sakte hain, or else they would have written ki how many pairs are possible. How many pairs are possible? Infinite pairs are possible, but there should always be a pair of valid tangents. Two. ठीक है? दो से ज़्यादा नहीं हो सकते. ठीक है? Yes. Okay. Yes, sir. The common point of a tangent to a circle is called the point of contact. अभी देखा हमने. आगे अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू ओ. अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं इसके. तो क्वेश्चन 3, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ द सर्कल. तो एक सर्कल बनाते हैं, सेंटर ओ, इंटरसेक्ट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज पी, एंड टेंजेंट क्या है पी. इन्होंने अजीब से नहीं लिखा, टेंजेंट भी पी क्यू और पॉइंट भी पी. हाँ तो टेंजेंट पी क्यू है तो ये पी क्यू से ऐसे बना देते हैं. रेडियस 5 सेंटीमीटर, ओके 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एंड पॉइंट क्यू सच दैट ओ क्यू इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. आसान क्वेश्चन. ठीक है, ओ क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, 90 क्या है ये, करेक्ट. Yes, sir. हाँ तो फिर आपको निकालना क्या है सर. पी क्यू, पी क्यू निकाल लो क्या है आंसर. रूट 119, रूट 119 डी डी. कुछ बच्चे 13 में कंफ्यूज हो जाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट सोच के, बट हाइपोटेन्यूज 12 है इसमें. हाइपोटेन्यूज 12 है तो हमें देखना है ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर. So OP which is 5 square plus PQ square is equals to 12 square. So PQ square is equals to 12 square minus 5 square. Okay. So this is 12 plus 5 into 12 minus 5. This is 17 into 7 is 119. So PQ is equals to under root 119. Okay. Fourth question. Draw a circle and two parallel lines to a given circle such that one tangent and the other one is taken to a circle. Chalo karo try. It should be secant in this. Chord में end points होने चाहिए उस पे, ठीक है? तो secant क्या होता है? जानते सुनना, एक छोटी सी चीज. सर ये sec है क्या? Secant and chord का difference समझते हैं, ठीक है? तो अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसे एक लाइन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, दिस लाइन इज नोन एज अ सेकेंड. अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ऑन द अदर हैंड अगर मैं कॉर्ड की बात करूं, chord should have the end points on the circle, ठीक है, ये circle को exactly intersect नहीं कर रही है, chord has end points on the circle, ठीक है, एक chord वो line है जिसके end points क्या है, circle पे, this is a small distinction I missed, please ये लिख लो और याद रखना, ठीक है, याद रहेगा.
अब करो फोर्थ क्वेश्चन। कर देते हैं रिकॉर्डिंग। चलो ठीक है सुनते हैं। तो हमें एक सर्कल बनाना है एंड उससे हमें एक टेंजेंट बनाना है। ड्रॉ सर्कल एंड द टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर वन इज टेकन टू द सर्कल। तो सबसे पहले एक लाइन एक टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा टेंजेंट बनाया, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके ये लाइन एल बुलाते हैं, ठीक है। दूसरी एक लाइन बनाते हैं इससे पैरेलल सच दैट इट इज अ सेकंड टू द सर्कल। अब ये देखो ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ठीक है ये दोनों पैरेलल लाइन से पैरेलल है, ठीक है। सबने ऐसे ही बनाया जिसने कह रहा है, यस सर। तो आप मेंशन भी कर सकते हो कि मान लो ये पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है सिर्फ एंड ये ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दिस मींस पी अ and Ella Angie. Okay. Yes. Next theorem says the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. सबसे पहले तो हमें पता है कि एक external point से हम सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट्स बना सकते हैं। और वो कहना चाहता है कि अगर दो टेंजेंट्स है ए बी और सेंटर से ओ है, तो ये दोनों टेंजेंट्स क्या है, इक्वल है। दिस मींस दैट पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस। अब वी हैव गिवन, गिवन क्या है हमारे पास, सर्कल विद सेंटर ओ कॉमा पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू सर्कल। टू प्रूफ क्या है हमारे पास, टू प्रूफ है हमारे पास पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। प्रूफ क्या है हमारा देखते हैं। तो हम सबसे पहले ज्वाइन कर देते हैं पीओ को, कर दिया, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल सर कॉन्ग्रुएंस से आरएच, हाँ ट्रायंगल पीओए एंड ट्रायंगल पीओबी, वी नो दैट पीओ इज इक्वल्स टू पीओ बिकॉज़ इट इज कॉमन। वी नो दैट ओए इज इक्वल्स टू ओबी बिकॉज़ दीज आर रेडियस, ओके, ऑफ द सेम सर्कल। लास्टली वी नो दैट एंगल पी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल पी बी ओ इज इक्वल्स टू 90 degree एंड रीजन क्या लिखोगे आप यहाँ पे, टेंजेंट टू अ सर्कल इज perpendicular to the radius. So we have a hypotenuse, we have a side, and we have a right angle. Okay, this means triangle POA is congruent to triangle POB by RHS, and hence we can say PA is equals to PB by CPC. CPC. Hence, proved. Likho. Prove that in two concentric circles, the chord of the larger circle, which touches the smaller circle, is bisected at the point of contact. Concentric circle hote hai, two circle with same center. Circles, not two or more than two circles with same center, but it can have different radius.
बनाते हैं दोस्त कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल, दो सर्कल. तो द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, मतलब एक लार्जर सर्कल है वो स्मॉलर सर्कल के को बस टच करता है उसका कॉर्ड. मान लो ये ए भी है एंड ही टच करता है ऐसे एट पी. ओके, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. वो कहता है प्रूफ. प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ क्या है हमारे पास, ए पी इज इक्वल टू बी बी. ये गिवन क्या है हमारे पास, कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल्स विद सेंटर ओ. ओके, एंड सिंस इट टचेस, ठीक है चलो प्रूफ में ही लिख देता हूं मैं, तो हम प्रूफ करते हैं. अच्छा प्रूफ करने के लिए ठीक है, वही सेम कॉन्ग्रुएंस ही लगाते हैं. यस सर, आरएचएस ही लगेगी. यस, वैसे कॉन्ग्रुएंसी के बिना भी कर सकते हो, जरूरत क्या है कॉन्ग्रुएंसी की, कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत है. सर मैंने तो आज तक कॉन्ग्रुएंस से ही करा है. चलो कॉन्ग्रुएंसी से ही कराता हूँ. प्रॉपर्टी लगा सकते हो डायरेक्टली, लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो चलो ठीक है, उससे अच्छा हम ओबी ओबी कॉमन नहीं कर सकते. इतनी मेहनत क्यों करनी, देखो मैं बता दूं तो वो तो उल्टा ही थी है. रुक जाओ अभी देखना. ए बी इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, ठीक है ये लिख दिया मैंने लाइन, इसकी जरूरत नहीं है लिखने की कोई, मतलब अगर नहीं भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके सो वी नो दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है क्या रीजन लिखेंगे हमने, टेंजेंट इज टेंजेंट परपेंडिकुलर टू. सर मैं तो ओपी ओपी कॉमन की है. रुक जाओ ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी मिल गया हमें, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. नाउ सिंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है हम कह सकते हैं कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, दिस मीन्स ए बी ओपी bisects AB. क्यों? The line drawn from center of circle perpendicular to chord bisects the chord. अब बताओ मुझे shorter क्या है? ये prove हुआ. यही प्रूफ है, प्रॉपर्टी यूज करिए मैंने जो सर्कल की होती है जो आपने क्लास में पढ़ी थी. हेंस प्रूफ है ना, समझ आया? सर आ तो गया लेकिन मैं तो सही है, मतलब सही है ना, दो लाइन का आंसर. यस यस, बस फिर खुश हो जाओ, दो लाइन का आंसर. नेक्स्ट करते हैं. लेकिन मैंने उससे ही करा. कोई नहीं, तो बदल थोड़ी सकता है पास में जाके, कैसे कर रहा है, आगे से इससे कर लेना. चलो ये ट्राई कर, कोई लिख तो नहीं रहा था, मैं नीचे करता हूँ, कोई लिख रहा है. नेक्स्ट भी ट्राई करने लगो और सब शुरू हो जाओ. इस एंगल को हम बोल लेते हैं, क्या बोले हम, पी बुला लेते हैं, स्मॉल पी छोड़ो, एक्स वाई बुला लेते हैं, क्वेश्चन नहीं होगी. तन्मेज आस्किंग एंगल ओ पी टी इज 90 degree. यस इट इज 90 degree. अच्छा इस एंगल को हम एक्स बुला लेते हैं, ठीक है इस एंगल को हम वाई बुला लें. चलो हमें पता है कि टी पी इज इक्वल्स टू टी क्यू, टी पी इज इक्वल्स टू टी क्यू. क्यों? हमने थ्योरम क्या पढ़ा था, थ्योरम क्या पढ़ा था हमने, tangents from same point, tangents from a point to the circle are equal. Okay, ठीक है अगर TP is equals to TQ है, इसका मतलब हमें पता है कि angle TPQ is equals to angle TQP. ये दोनों angles भी equal हो गए. Angles opposite to equal sides are
इक्वल. ओके अच्छा हमें एक और बात पता है, ठीक है. अच्छा हमें इसके बाद क्या पता है, इन दोनों को हम ले लेते हैं इज इक्वल टू पी ले लेते हैं, दोनों इक्वल है दोनों को इक्वल टू पी ले लेते हैं. तो एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी. सो एंगल वाई प्लस एंगल पी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो टू एंगल पी is equals to 180 minus y, angle P is equals to 180 minus y by 2, and angle P is equals to 90. So TPQY y कैसे होगा? क्या? TPQY थोड़ी ना? TPQY फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले ऐसे लिख दिया, बाद में उन दोनों को लिख दिया. Addition में ही तो है. सर आपने P किसे लिया है? एंगल पी प्लस एंगल वाई प्लस नहीं आपने पी लिया किससे? पी प्लस एंगल इस इन दोनों एंगल्स को पी ले लिया, लिखा तो है यहाँ पे देखो इन दोनों एंगल्स को पी लिया, ठीक है. तो अगर ये दोनों एंगल्स पी है तो एंगल पी प्लस एंगल पी प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री. पी इज इक्वल टू 90 माइनस वाई बाई टू. ऑल्सो हमें एक और बात पता है, क्या बात पता है हमें, कि एंगल टी पी ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. क्यों टी पी ओ 90 डिग्री है? बिकॉज टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अच्छा तो और हमें पता है एंगल टी पी क्यू कैन बी रिटन एज एंगल टी P, sorry, TPO, this is angle TPO, can be written as TPQ plus QPO, is equals to 90 degree. Achha, TPQ kitna tha? 90 minus y by 2. OPQ kitna hai? Plus x, is equals to 90 degree. Isko solve karenge, 90 ud gaye. So x is equals to y by 2, hence proved. ये तो करना था. x क्या है एंगल? एंगल ओ पी क्यू. तो 2 टाइम्स x, 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू y, विच इज व्हाट एंगल? एंगल पी टी क्यू. देखो चेक कर रहे हैं सर. सर सही है, चलो नोट कर लो. इसके बाद ब्रेक है. यस